में बड़वाह के एक निजी अस्पताल एक युवक को भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर किया गया। लेकिन जब स्थानीय शासकीय अस्पताल में मरीज का चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया। बता दें, बड़वाह के निजी अस्पताल में ओमकारेश्वर के शिवम केवट को भर्ती कराया, जहाँ हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि इंजेक्शन लगने से मरीज की मौत हुई है और बचने के लिए डॉक्टर ने उसे इंदौर रेफर किया, जबकि शासकीय अस्पताल के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 19 कुछ इंजेक्शन वगैरह इसमें डाले वाटलून में गन सारे मैं, फिर उसके बाद में तो इसको मतलब जैसे चल्लूज हो गया हार्ट बीटिंग तो एकदम करने लग गया। तो ये आए, इनने मास्क वाक्स लगाया, ये वो करा, मेरे को बाहर भेज दिया। मेरे को बोले बाहर जाओ, नहीं तो इसको अभी 2 मिनट में डिस्चार्ज करके बाहर कर देंगे हम। हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टरों ने ये देखा कि उसके प्यूपिल डायलेट है। अब उन्होंने ये नहीं सोचा, उनको ये नहीं पता है कि पेशेंट को रिवाइव करने के लिए अपन ने जो सोडा बाइकार्बोनेट, एट्रोपिन, ये सब इंजेक्शन देते हैं एड्रिनलिन, जिसके कारण उनको नहीं पता, नॉलेज नहीं सरकारी डॉक्टरों, ये नहीं बोल रहा हूँ, उनको ये पता नहीं कि यहाँ रिवाइव करने की कोशिश करी गई थी और पेशेंट रिवाइव हुआ। शासकीय अस्पताल में आज एक मरीज शिवम केवट को मृत अवस्था में लाया गया था। एम्बुलेंस में उसे ऑक्सीजन चल रही थी, मेरे द्वारा देखने पर उसकी नब्ज, हार्ट बीट और उसमें लाइफ के कोई साइन नहीं मिले। पीपिल देखने पर पीपिल जो है वो पूरी तरह डायलेटेड थी।